पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप आईफोन या कोई भी ऐसे गैजेट जो इंडिया में एक्सपेंसिव मिल रहा है वो अगर आपको सस्ते में खरीदना है तो वो दुबई में कहां और कैसे ले सकते हो। और आज के इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे जाएंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आपको आई बटन में वो लिंक दे देता हूँ जहां पे आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आपने या आपके कोई रिलेटिव या दोस्त ने आपके लिए फोन खरीद लिया है, वेदर वो यूएसए में है, यूरोप में है, दुबई में है या हांगकांग में, अब इस फोन को आप इंडिया में लाना चाह रहे हो तो आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आएंगे कि मैं कितने लेके आ सकता हूं इंडिया में, क्या मुझे कस्टम ड्यूटी तो नहीं पे करनी पड़ेगी एयरपोर्ट पे, और क्या मैं कोई लॉ तो ब्रेक नहीं कर रहा हूं इस फोन को इंडिया में लाके। तो इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, तो दोस्तों इससे किसी का भला हो जाएगा। और एक और चीज दोस्तों, आप वीडियोस को लाइक तो करते हो, व्यू भी करते हो, लेकिन कुछ मेरे ऐसे भाई और बहने हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में आलस मत करो, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक करना है, दैट्स ऑल। ताई चलो दोस्तों अब ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज तो आप जब कोई भी स्मार्टफोन, वेदर वो आईफोन हो, सैमसंग हो या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, वो जब आप इंडिया में लेके आते हो तो आपको एयरपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी पे करनी रहती है। लेकिन अगर आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी तो जो प्राइस डिफरेंस या प्राइस एडवांटेज आपको मिला है बाहर से प्रोडक्ट लेके आने में, वो खत्म हो जाता है। अब एज पर रूल अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स लाइक स्मार्टफोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर लेके आते हो इंडिया में तो 50,000 तक उसके ऊपर या तो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है या फिर बहुत मिनिमल कस्टम ड्यूटी लगती है। लेकिन अगर 50,000 से ज्यादा है उसकी परचेज प्राइस तो कायदे से आपको उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है जो आपको एयरपोर्ट पे करनी रहेगी। अब अगर आपने वो जो गैजेट का बॉक्स है वो ओपन नहीं किया है और वो पैक कंडीशन में ही अगर आपने चेक इन बैग या फिर कैरी ऑन लगेज में अगर आपने पैक कर दिया है इसको, तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज क्या करेगी, आपकी बैग्स को मार्क कर देगी विथ एन एक्स, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी बैग चेकिंग में जाएगी जरूर। तो इसलिए दोस्तों ये भूल बिल्कुल मत करना, मूवमेंट आप फोन लेके आना चाह रहे हो इंडिया में तो उसको पहले अनपैक कर दो, दैट इज अनबॉक्स कर लो उसको, उसके बॉक्स को और उसकी एक्सेसरीज को आप अपनी बैग में जरूर रख सकते हो, लेकिन जो फोन है वो आप अपने पॉकेट्स में रख लो। तो जैसे अगर आपके पास दो फोन लेके आ रहे हो आप, तो आप सेपरेट पॉकेट्स में रखो, एक ही पॉकेट में दोनों फोन नहीं रखना भाई हो, या फिर आप अपने हाथ में भी लेके आ सकते हो, वो भी इशू नहीं है। कहने का मतलब कस्टम्स ये कहता है कि अगर आप कोई फोन पर्सनल यूज के लिए लेके आ रहे हो तो उनको कोई इसमें इशू नहीं है, तो अगर आपके पॉकेट में फोन होगा या अगर आपके हाथ में होगा तो वो फोन कंसिडर किया जाएगा एज पर्सनल यूज वाला फोन। और एक और चीज मैं बता दूं आपको कि यूजुअली कस्टम्स में आपके बैग स्कैन होते हैं, पैसेंजर इन पर्सन चेक नहीं होता है। सो अगर आपके कोई गैजेट्स आपके पॉकेट में है तो वो ज्यादातर वो लोग चेक नहीं करते हैं, क्योंकि वो अज्यूम किया जाता है कि उनके पॉकेट में वही चीज है जो उनके पर्सनल यूज के लिए ही है। अब कितने मोबाइल फोन्स आप लेके आ सकते हो इंडिया में, तो ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों ने 5 मोबाइल एक साथ लेके आए हैं और उनको कस्टम ड्यूटी नहीं लगी है, और ऐसे भी लोग हैं जो 2 लेके आए हैं और उनको कस्टम ड्यूटी लगी है। पर पर्सनली स्पीकिंग आई विल नॉट एडवाइज कि आप 4 या 5 मोबाइल फोन एक साथ लेके आओ, क्योंकि फिर बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि आप इसको कॉमर्शियली यूज करने वाले हो, आप इसको बेचने वाले हो कहीं पे। इसलिए मैक्सिमम 1 या 2 मोबाइल फोन आप बाहर से खरीद के इंडिया लेके आ सकते हो। सो दोस्तों ये कुछ टिप्स आप याद रखिए, इससे आपके थोड़े पैसे भी बच जाएंगे और हमारा मोटिव ये भी है कि हम इंडिया के कोई भी कस्टम्स रूल्स को वायोलेट नहीं करना चाह रहे हैं। सो दोस्तों इंडियन कस्टम्स ड्यूटी को रिस्पेक्ट करें, आपका पर्सनल काम भी निकालें, आपका पैसे भी बचाएं, और एंड में इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।